Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic advantages and disadvantages of written business communication. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिखित व्यावसायिक संचार के लाभ एवं दोष. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिखित व्यावसायिक संचार के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ रिटेन बिजनेस कम्युनिकेशन. तो मैंने यहाँ पर लिखित व्यावसायिक संचार के लाभों को 6 मुख्य बिंदुओं के द्वारा परिभाषित किया है. जब हम मौखिक और लिखित संचार की बात करते हैं तो देखा जाए तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. यानी कि जहाँ मौखिक संचार उपयुक्त नहीं होता है वहाँ लिखित का प्रयोग किया जाता है. तो एक तरीके से दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू कहलाएंगे. यहाँ हम बात करेंगे लिखित संचार के मुख्य लाभों की या मेन एडवांटेजेस की. द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज लिखित संचार की दशा में दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है. ऑब्वियस है, जब मैं ओरल कम्युनिकेशन से इसको कंपेयर करता हूँ तो ओरल कम्युनिकेशन में दो पर्टिकुलर पर्संस का प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन जब लिखित संचार का प्रयोग किया जाता है तो हमें दोनों पक्षों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है. उनके बिना उपस्थित हुए भी लिखित संचार को पूर्ण किया जा सकता है. दूसरा लाभ क्या रहता है इसका, विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के संचार के लिए यह अधिक उपयुक्त है. मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है जो बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, बहुत विस्तृत है. अब जब आप उसको ओरल वे में प्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त भी लेगी ये, और हो सकता है कि जटिलता की वजह से समझ में भी ना आए. तो क्या करना पड़ेगा इसको, आपको लिखित संचार के माध्यम से प्रेषित करना ज़्यादा उपयुक्त होगा. ये जब आप लिखित संचार का प्रयोग करते हुए ऐसी विस्तृत और जटिल सूचनाओं को संचार करते हो तो सामने वाले के समझ में ये आसानी से आ जाती हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है. तीसरा लाभ क्या रहता है इसमें, यह साधन मित व्ययी भी है, क्योंकि डाक द्वारा समाचार भेजना दूरभाष पर बात करने की अपेक्षा सस्ता है. यानी कि आपका खर्चा भी कम आता है. जब आप रिटेन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इससे खर्चा भी कम रहता है, क्योंकि होता क्या है कि रिटेन कम्युनिकेशन में आपको बाय पोस्ट इन्फॉर्मेशन को सेंड करना होता है. ठीक है, तो आप दूरभाष पर बात कर रहे हैं, उसके मुकाबले डाक के द्वारा समाचार भेजना थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीपर रहता है. इसी वजह से लिखित साधन ज़्यादा मित व्यय भी होता है. चौथा पॉइंट है इसके रेफरेंस में, जो लिखित संवाद है वो प्रमाण का काम करता है तथा भावी संदर्भ के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो संचार है उसको आपने लिखित तरीके से प्रस्तुत किया है. तो जब लिखित तरीके से प्रस्तुत किया है तो एक तरीके से ये प्रमाण का काम करेगा, एज अ प्रूफ ये रोल प्ले करेगा. और फ्यूचर में अगर कोई भी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, भावी संदर्भ की जरूरत पड़ती है, तो भावी संदर्भ के रूप में आप इस रिटन डॉक्यूमेंट लिखित संवाद का उपयोग भी कर सकते हैं. लेकिन जो बात कही गई है उसका तो भावी संदर्भ के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रिटेन कम्युनिकेशन है उसका फ्यूचर रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सकता है. ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है. नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, गश्ती पत्रों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर रहने वाली व्यक्तियों को एक ही सूचना सुविधा से भेजी जा सकती है. सभाओं और सम्मेलनों में मौखिक संचार की दशा में हो सकता है कि अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित ना हो. यानी कि जब कोई मीटिंग कॉल की जाती है या ओरल कम्युनिकेशन होता है मीटिंग में, तो मे बी कि कुछ पर्संस वहाँ प्रेजेंट हों, कुछ पर्संस प्रेजेंट ना हो. कुछ तो उपस्थित होंगे लेकिन कुछ उपस्थित नहीं होंगे, तो जो कम्युनिकेशन है वो सबके पास एक साथ प्रसारित नहीं हो पाता है. तो इसके लिए क्या करते हो आप,
लिखित व्यावसायिक संचार का प्रयोग करते हो, और फिर बाय पोस्ट आप लेटर्स लिखते हो और उन लेटर्स को जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं उनके एड्रेस पर उसको पोस्ट कर देते हो। तो इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन छूटता नहीं है और उसको मीटिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कोई भी बंदा ना छूटे, इसके लिए रिटन बेसिस कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है, जहां पत्र के माध्यम से सूचनाओं को उन व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। छठा फायदा क्या होता है लिखित व्यावसायिक संचार का? जब दो पक्षों के बीच अच्छे संबंधों का अभाव हो अथवा परस्पर अविश्वास हो तो लिखित संचार ही एकमात्र साधन रह जाता है, और संभव है कि प्रभावी लिखित संचार से परस्पर विश्वास का सृजन हो जाए। अब दो पर्संस हैं, दो पार्टीज हैं, खटपट हो गई उनके बीच में, अनबन हो गई, और दोनों एक दूसरे से किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहते। तो भाई जब बात नहीं करना चाहते तो ओरल कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक अविश्वास की दशा स्थापित हो चुकी है दोनों के बीच में। तो क्या करा जाए? तो लिखित संचार यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है यहाँ पर, और रिटन कम्युनिकेशन के बेसिस पर दोनों पार्टीज अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करती हैं, और इस तरह से प्रभावी लिखित संचार का प्रयोग किया जाता है कि दोनों के बीच में परस्पर विश्वास का सृजन हो पाए। तो ये केवल और केवल लिखित व्यावसायिक संचार के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिखित व्यावसायिक संचार के दोषों की, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। हालांकि लिखित संचार के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं, तो उन दोषों को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला दोष क्या रहता है इसका? लिखित संचार की दशा में प्रत्येक सूचना को, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी, लिखित रूप में ही प्रस्तुत करना पड़ता है, जिनमें स्वभावतः बहुत अधिक समय व धन का अपव्यय होता है। इसके विपरीत आमने सामने की जाने वाली मौखिक वार्ता प्रायः सूक्ष्म और जल्दी समाप्त होने वाली होती है। यह बात तो मानी जाएगी बिल्कुल, यानी कि अगर सिचुएशन को ध्यान में रखा जाए तो क्या होता है, एक ही कंपनी में डिफरेंट पर्सन्स वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हें छोटी छोटी समस्याएं, उन पर वार्तालाप करना है, तो वार्तालाप करके वो क्या करते हैं, उन समस्याओं का जल्दी निपटारा कर लेते हैं। तो जो उनकी मौखिक वार्ता हुई वो क्या होती है, वो सूक्ष्म होती है और जल्दी समाप्त हो जाती है, और इसके थ्रू कम से कम समय में वो अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वही बंदे लिखित संचार के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान निकालना चाहें तो क्या होगा, उन्हें हर बात को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा, और जब हर बात लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और धन का भी अपव्यय होता है। यानी कि जहां आप ओरल कम्युनिकेशन के बेसिस पर समस्या का समाधान कर सकते हैं, वहां रिटन के बेसिस पर समस्या का समाधान करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि समय और धन दोनों ही ज़्यादा खर्च होते हैं। ये इसका हो गया सबसे पहला दोष। दूसरा दोष है इसका, प्रत्येक छोटी बड़ी बात को हमेशा लिखित रूप में ही प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। फिर यदि लिखित संदेश में दुर्भाग्य से कोई बात छूट जाए तो उसको पुनः लिखकर प्रेषित करने में व्यर्थ अतिरिक्त समय ही लगता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर एक बात को, छोटी बात है या फिर बड़ी बात है, हर एक बात को लिखित रूप में ही प्रस्तुत कर पाएं। यह संभव नहीं होता है कि हर बात लिखित रूप में प्रस्तुत कर दी जाए, और फिर मान लीजिए कि आप अपने संदेश को लिखित में तैयार कर रहे हैं और दुर्भाग्य से या ना चाहते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाती हैं, तो फिर क्या होगा, आप फिर से लेटर को पढ़ोगे, जो भी आपका लिखित संदेश है उसको फिर से पढ़ोगे, और जो छूट गया है उसको फिर से लिखोगे, और जब ऐसा करोगे तो इसमें आपका व्यर्थ अतिरिक्त समय भी तो लग रहा है। तो समय क्या लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है, ये इसका दोष हो गया।
नेक्स्ट वन इज द मौखिक वार्ता में गोपनीयता रखी जा सकती है, परंतु यदि लिखित सूचना किसी के हाथ पड़ जाए तो उसकी गोपनीयता भंग हो जाती है। सीक्रेसी मेंटेन करनी है आपको, तो भाई रिटन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर तो सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ओरल कम्युनिकेशन के बेसिस पर सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के बेसिस पर सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि अगर अनवांटेड पर्सन के हाथ में लग गई वो इन्फॉर्मेशन, रिटन इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा, जो उसकी सीक्रेसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो सीक्रेट नहीं रह जाता है। चौथा पॉइंट है इसमें, लिखित सूचना का एक दोष यह भी है कि इससे लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। जो सूचना लिख कर दी जाती है उसके लिए अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जैसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करिए, अधिकारी से उसे स्वीकृत करवाइए, टाइपिस्ट से टाइप करवाइए और फिर चपरासी और डाक के द्वारा उसे प्रेषित कीजिए। इन विविध औपचारिकताओं में अधिक समय लगना स्वाभाविक है। रेड टेपिज्म बोलते हैं इसको, लाल फीताशाही को, तो लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म एग्जिस्टेंस में आ जाती है जब सूचना लिखित में होती है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती हैं, बहुत सारी औपचारिकताएं आपको पूर्ण करनी होती हैं जब आप लिखित सूचना के माध्यम से सूचना को प्रेषित करते हो। जैसे कौन कौन सी औपचारिकता है, पहले तो आप एक ड्राफ्ट तैयार करोगे सूचना का, उसके बाद जो कंसर्न ऑफिसर है, जो अधिकृत अधिकारी हैं, उनसे स्वीकृत कराओगे, फिर टाइपिस्ट के पास जाओगे वो टाइप करेगा, फिर टाइप करने के बाद जो प्रिंटआउट निकल कर आएगा उसका, उसे आप चपरासी या फिर डाक के द्वारा उसे अलग अलग पार्टीज को या पक्षों को प्रेषित करोगे, और इन औपचारिकताओं में समय क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो इस तरीके से लिखित सूचना लाल फीताशाही को भी बढ़ावा देती है। अगला जो दोष है इसका, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए लिखित संप्रेषण कोई अर्थ नहीं रखता है। अब क्योंकि वो क्या है, अशिक्षित है, इलिटरेट है, जो बातें बोली जा रही हैं उसको तो वो समझ लेते हैं सुनने के बाद, लेकिन जो बातें लिखी हुई हैं उनको वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए तो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, उनके समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों को तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित संप्रेषण की जगह मौखिक संप्रेषण के माध्यम से ही समझाना होगा। और अगर लिखित संदेश को आप अन्य लोगों से पढ़वाएंगे तो हो सकता है कि वो अर्थ का अनर्थ ही कर दें, तो इससे बेहतर है कि जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए आप लिखित संप्रेषण का प्रयोग न करके मौखिक संप्रेषण का ही प्रयोग करें। अगला इसमें दोष क्या रहता है इसका, कभी कभी लिखित संवाद संवाददाता की भावनाओं को प्रकट करने में असफल रहता है। बिल्कुल सही बात है, ओरल कम्युनिकेशन में, मौखिक संप्रेषण में आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं किया जा सकता। और अगला दोष है इसके अंदर, जो मौखिक संप्रेषण है उसकी तुलना में कभी कभी लिखित संवाद कम प्रभावी होता है, क्योंकि वहाँ तो आप केवल लिख ही रहे हो, वहाँ आप किसी भी टाइप की बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, इमोशंस का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में आप इन सब का प्रयोग कर सकते हो। इसी वजह से मौखिक संप्रेषण की तुलना में लिखित संवाद कभी कभी कम प्रभावी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी लिखित व्यावसायिक संप्रेषण के मुख्य दोषों की। ओके, थैंक यू।